शिवपुरी के करेरा के टोकनपुर गांव में आबकारी विभाग द्वारा कार्यवाही करके रात को दो व्यक्तियों सहित एक ड्रम में अवैध रूप से देशी शराब जब्त की है, जिसकी मात्रा लगभग 200 लीटर बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अवैध शराब से भरा एक ड्रम और दो आरोपियों को एक साथ पकड़ लिया गया है, जिसमें अमर सिंह भदौरिया और राधेश्याम भदौरिया शामिल है। राधेश्याम भदौरिया की अभी 13 तारीख को शादी हुई थी। एक ड्रम के साथ पैकिंग मशीन, 200 से 500 बोतल और करीब 500 ढक्कन के साथ रेपर भी बरामद किए गए, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख के आसपास बताई जा रही है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, जो रात में करेरा में दबिश देकर जो दो आरोपियों को पकड़ा और ओपी शराब पकड़ी है, क्या पूरा मामला है? हमको शाम को मुखबिर से एक सूचना मिली थी कि आज करेरा में एक टोकनपुर गांव में फैक्ट्री चालू होने की, और उसी के तहत रात को लगभग 12-1 के बीच में उस गांव में दबिश दी गई, जिस घर में मतलब हमको सूचना थी उसके ही आधार पर दो आरोपियों से वहां से लगभग 200 लीटर ओपी शराब, इसके साथ में पाव जो खाली बारदाना होता है वो 500, ढक्कन भी 500, लेवल लगभग 3000 और एक मशीन मतलब वहां से जब्त की है। लगभग सर इसकी कीमत कितनी होगी? अब ओपी अलग अलग कीमत की रहती है, लेकिन अगर पूरे सभी चीज़ों की कीमत जोड़े तो 2 लाख के आसपास होगी। जिससे शराब बनती है उससे 2 लाख के आसपास की कीमत। दूसरा सर, इन दोनों का पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड ऐसा शराब बनाने का है? एक्साइज में तो ऐसा कोई प्रकरण नहीं है और थानों से पता करेंगे कि क्या स्थिति है। अच्छा, दूसरा सर, जो ओपी पकड़ी है, जो क्या जहरीली शराब में आती है क्या? नहीं, जहरीली शराब तो हम ऐसे नहीं कह पाएंगे अभी इसको, और लैब में भेजेंगे उसके बाद ही ये क्लियर होगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि ये मानव डायरेक्ट मानव के लिए उपयुक्त नहीं है, 100% हानिकारक है। बस जहरीली का तो उसका जो कंटेंट होता है वो लैब से ही पता चलता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।